नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है बिजली का बिल। जब आपके घर बिजली का बिल आता है या फिर ऑनलाइन बिल आता होगा, तो ऑनलाइन जब आपको बिल आता है तो उसका मैसेज आता होगा, तो फौरन आप उस मैसेज को जरूर देखते होंगे कि आखिरकार आपके बिजली का बिल कितना आया। जब कम आता है तो थोड़ी अंदर से खुशी मिलती है, और अगर ज्यादा आया तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, इतना बिल कैसे आ गया, इस बार तो इतना बिजली खर्च की भी नहीं। लेकिन अब हरियाणा में बिजली बिलों में एक नया करंट लगने जा रहा है, क्योंकि अब एक मुफ्त कनेक्शन के लिए राशि आपके बिल के आधार पर देनी पड़ेगी। यानी हर साल जो सिक्योरिटी यानी अग्रिम सुरक्षा राशि बिल है वो आपके बिल के हिसाब से तय की जाएगी। पहले ये एक मुफ्त ली जाती थी, मगर अब एक साल में आपके जितने बिल की राशि होगी उसकी औसत के हिसाब से ये सिक्योरिटी राशि बढ़ाई जाएगी। और अगर आपके बिल में जुड़कर ही आएगी, पहले मीटर लगने के दौरान सिक्योरिटी राशि जमा करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके बिल में आएगी। और बताया जा रहा है कि इसका 4 गुना चार्ज आप पर लगेगा। आज रणभूमि में इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा सरकार के नए फैसले पर बवाल, बिजली बिलों को लेकर बने नियम पर उठे सवाल, बिजली उपभोक्ता को देना होगा 4 गुना चार्ज, विपक्ष की सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपने कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बिजली कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखा जाएगा। इसी के आधार पर अब नए नियम के अनुसार हर साल सिक्योरिटी यानी अग्रिम सुरक्षा राशि आपके बिल के हिसाब से तय की जाएगी। पहले ये एक मुश्त ली जाती थी, मगर अब एक साल में आपके जितना बिल की राशि होगी उसी की औसत के हिसाब से ये सिक्योरिटी राशि बढ़ाई जाएगी और आपके बिल में जुड़कर आएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सरकार अपनी जेब भरना चाह रही है, क्या कम आ रहा है क्या हरियाणा की जनता को? हर तरह से उनकी जेब खाली की और ये फिर एक बार लूटने का तरीका बना लिया। अब देखते हैं कि कितने कितने बिल आते हैं, क्यों आते हैं, हर चीज में धांधली, और लेकिन आम जनता को ये भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं। हालांकि बीजेपी के पास कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं है, इसलिए गोल गोल बातें की जा रही हैं। हालांकि फैसला सरकार ने अपने राजस्व की भरपाई के लिए लिया है, लेकिन इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर जरूर पड़ेगा। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में अब जो नया नियम है, क्योंकि जो सिक्योरिटी आप जमा कराते हैं एक नए कनेक्शन की, तो उसकी राशि एकमुश्त नहीं ली जाएगी, लेकिन वो बिल के साथ जोड़कर आएगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसका आपको 4 गुना चार्ज तक देना पड़ सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि 3 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे मेहमानों का मैं आपको परिचय करा दूं। अमरदीप बराड़ है, प्रवक्ता कांग्रेस। वीरेन चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी। अनिल शर्मा है, बिजली उपभोक्ता मंच से। अनिल शर्मा जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, सर ये जो बिल को लेकर नया नियम बना है, सर कितना नुकसान है इससे बिजली उपभोक्ता पर? उपभोक्ताओं का एक स्पष्ट मानना है कि इसमें नुकसान ही उपभोक्ताओं का है। जितना भी ये राजस्व की सरकार को फायदा होगा, उतना ही उस राजस्व की जो भरपा वो जो उसका जो खामियाजा है वो सारा उपभोक्ता को भुगतना पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि बिजली को जिस नजरिए से सरकार देखना चाहती है, इसको मुनाफे की दुकान समझने की बजाय इसको जनता को सस्ती बिजली देने की ओर ध्यान नहीं जा रहा। केवल सरकार का नजरिया ये है कि जनता को बिजली के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, पानी के नाम पर कैसे लूटा जाए। ये हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में सरकार की उपभोक्ताओं पर इसको लूट कहा जाएगा, जो पूरे तरीके से गलत है और हम इसको गैर कानूनी मान सकते हैं। क्योंकि ये जो दौर है, जिस दौर में सरकार ने ये बढ़ोतरी की है, वो दौर जनता पहले भी कोविड के बाद बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसी हुई है, उस दौर में ये बढ़ोतरी
जनता की खासकर बिजली उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम करेगी। बनाना चाहते हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, कुमारी सैलजानी जी ने कहा है। बीरेन चौहान जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? जी, सवाल दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। हाँ सर, क्या हरियाणा की जनता को आप भिखारी बनाना चाहते हैं? कुमारी शैलजा जी ने यही आरोप लगाया आप पर। कुमारी शैलजा जी की समझ पर तरस आता है जब वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं। किसी अपने आप को राष्ट्रीय दल कहने वाली पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष, जो कि केंद्र में मंत्री रही हो, जो कई बार एमपी रही हो, वे इस तरह के नासमझीपूर्ण शब्द प्रयोग के साथ यही साबित करना चाहते हैं कि उनके पास दलील नहीं है, उनके पास कहने को कोई बात नहीं है, केवल और केवल शब्दजाल बुनेंगी और शब्दजाल बुनते समय भी मर्यादा को तोड़ेंगी। उपभोक्ता बिजली का उपयोग करता है, पानी का उपयोग करता है, या कोई भी जो सेवा है जब उसका उपयोग करता है और उसकी एवज में अगर वो भुगतान करता है तो इसको भीख मांगना या भीख देना नहीं कहा जाता। सेवा आपको सरकार या कोई दूसरी व्यवस्था में कोई और लोग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जब आप कोई सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में आप कुछ भुगतान करते हैं, तो इसमें कौन भिखमंगा हो गया और कौन दाता हो गया, ये बात शैलजा जी को समझ। वीरेन चौहान जी, कोई फायदा बता दीजिए ना। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ। वीरेन चौहान जी, चलिए आपने ठीक कह दिया, वो कह रहे हैं आपने उनकी बात पर सवाल उठा दिया। सर ठीक है, आपकी बात सही है, आप सवाल वो सवाल उठाएंगे तो आप भी सवाल उठाएंगे, तो आप बता दीजिए बिजली उपभोक्ता को आप क्या फायदा दे रहे हैं पिछले 6 साल में? एक अच्छा फायदा बता दीजिए कि हम ये फायदा दे रहे हैं, हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, दिल्ली की तर्ज पर हमने ये कर दिया, हमने बिल कम कर दिए, कुछ फायदा बता दीजिए। या आप जो नया नियम आ रहा है उसमें आप बता दीजिए कि मैं एक आम उपभोक्ता हूं, मुझे क्या फायदा मिलने जा रहा है जी? मैं जो आपकी तारीफ करूं सर, मेरे घर में अगर कुछ नुकसान ना हो, जो मैं आपकी बैठ के खुद तारीफ करूं यहाँ पे। हे परम मित्र, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, जिस प्रदेश के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस हरियाणा में जब हमारी सरकार आई 6 वर्ष पूर्व, उस समय तक शायद एक भी गांव ऐसा न था जहां 24 घंटे उपभोक्ता को अबाध बिजली की आपूर्ति हो रही हो। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बहुत जगह बिजली मिलती थी, गांव वंचित थे। मैं गर्व के साथ आपके चैनल पर बैठकर आज कह रहा हूं कि आज हरियाणा के 75% गांवों में उपभोक्ताओं को 24 घंटे अबाध बिजली मिल रही है, जो कि गांव के उपभोक्ता का भी बराबर का हक था शहर के उपभोक्ता की तरह। गांव उपेक्षित था, गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। अरे भाई, आप ये बताओ ना, इससे क्या फायदा होगा उपभोक्ताओं को? बीच में क्यों बोल रहे हो बराड़ साहब? रुकिए अभी बराड़ साहब, आपका नंबर। अरे आप झूठ बोलते रहेंगे, बीच में ना बोलें। झूठे तुम भाई, बीच में बोल रहे हो, चैलेंज चैलेंज। अरे झूठे हो आप, झूठे हो आप, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो आप, झूठे हो। तो फिर इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बराड़ साहब मौका देंगे, रुक जाइए। बराड़ साहब पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, आप भी पूछ लीजिएगा, रुक जाइए, मैं पूरा कर दूं। हाँ, हरियाणा के 5200 से अधिक गांवों के उपभोक्ताओं को 24 घंटे अबाध बिजली अब शहर के उपभोक्ता की तरह मिल रही है, ये इसका क्या फायदा होगा? वीरेन चौहान जी, आपने कोई एहसान कर दिया क्या? सर मूलभूत सुविधाएं देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी है। बिजली दे रहे तो आप मुफ्त में तो दे नहीं रहे, आपको बिल दे रहे हैं। हाँ तो बताए ना, फिर बताए ना आम जनता को आपने क्या फायदा दिया? ये तो एहसान ठीक है सर, ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है आम लोगों के लिए। फायदा बता दीजिए, अच्छा काम जो किया, इनके राज में नहीं मिलती थी गांव को 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती थी, हमने 75% गांव को जो है 24 घंटे। सर अब ये नया नियम ला रहे, इससे कोई फायदा मेरे मेरे दर्शक को, मुझे क्या फायदा, मेरे दर्शक को क्या फायदा, मेरे हरियाणा वासियों को क्या फायदा? सर मुझे बता दीजिए क्या, आप ये जो हरियाणा गांव में बसता है इससे आपका कोई रिश्ता नहीं है? सर मैं हरियाणा का ही हूँ, हरियाणा में मेरा गाँव है सर। भाई साहब, फिर आपके गांव में 24 घंटे बिजली चली गई? बिल्कुल चल रही है सर। उनको उनको हाँ हाँ बिल्कुल चल रही है, मैं कह तो रहा हूँ सर, कह रहा हूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं दे रहे हैं।
उनके यहाँ जब 6 घंटे बिजली आती थी वो गर्मी में मरते थे, उनका इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होता था, पानी के लिए तरस जाते अरे थे। सर बिजली के क्षेत्र में आप ये बता दीजिए, आपने बिजली दे दी, वो हमारा मूलभूत अधिकार आपने हमको दे दिया, हरियाणा के लोगों को दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन अब हमें बताइए उसमें राहत क्या दी आपने। मैंने एक बात बताई और बताता हूँ, इन 6 सालों के दौरान पहली बार अनेक वर्षों में ऐसा हुआ कि बिजली की दरों में सरकार ने सब्सिडी देकर के राहत दी, मामूली जो है बिजली की दरें कम हुई। कांग्रेस के राज में हमारी बात मत करें वीरेंद्र चौहान जी, वीरेंद्र चौहान जी, बराट साहब ये तो कह रहे हैं कि देखिए आपके राज में बराट साहब गांव में बिजली नहीं मिलती थी, अब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, इतना तो फायदा दे दिया सर। और अगर नए नियम आते तो उपभोक्ता, ये गांव और शहर के अंतर को मिटाने वाली बात है। नहीं, आप इनको चुप कराइए, मैं जवाब दूंगा। हाँ, चुप कराइए का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए। अरे चुप करो, झूठे झूठ झूठ मत बोलो, चुप करो। झूठे तो तुम हो यार, मैं देता हूँ जवाब। फायदा हो गया उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, हमको झूठे कह रहे हो। जनता को पता है कौन झूठा है, आप जवाब लो ना मेरा, आप मेरा जवाब लो। वीरेंद्र चौहान भाई, बड़े भाई की यात्रा करवा दूं, बराड साहब चलो मेरे साथ। अरे जवाब लो बस, बहुत झूठ बोल लिया आपने, बहुत झूठ बोल लिया, जवाब तो ले लो मेरा भाई। झूठा कौन है? मौका दे दो, झूठ का वो झूठा हुआ ना चौहान जी, बीजेपी पार्टी झूठी है। चौहान जी रुकिए ना, चौहान जी रुकिए, चौहान जी रुकिए, आप उनके बात का जवाब ले लेते ना, आपकी बात का जवाब। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप क्यों नहीं बात सुन रहे, आपको क्यों डर लग रहा है सच्चाई सुनने? लड़के सच्चाई सुनने। अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास भी। अरे ठीक है चौहान साहब, अब आप रुक जाइए ना, बराट साहब को बोलने दीजिए। जयप्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ बोलिए ना। हेलो बराट साहब, रखिए सुन रहे हम। जयप्रकाश जी हमारे प्रदेश में, जयप्रकाश जी हमारे प्रदेश में जो बिजली है वो बिजली विभाग 2 से 2.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो है खरीदता है, और आगे वो उपभोक्ताओं तक 11 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाती है। तो कितनी लूट हो रही है ये आप इसके इससे आप पता लगा लीजिए। और अब जो ये लेके आए अभी इतना देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा, ये सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल के क्या रेट है उसमें लूट रहे हैं। आज सिलेंडर ये कहते थे घर घर सिलेंडर, आज घर घर चूल्हा जलाने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है, हजार हजार रुपए का सिलेंडर हो चुका है। जो एक गरीब आदमी है वो सिलेंडर पर रोटी नहीं पका सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर छोड़िए, सिलेंडर पर चर्चा करेंगे फिर अलग से चर्चा करेंगे। बराट साहब वो कह रहे हैं, बराट साहब वो कह रहे हैं कि गांव गांव में बिजली पर 75% गांव में इन्होंने बिजली पहुंचाई 24 घंटे। हालांकि ये कोई मुफ्त में एहसान भी नहीं कर रहे, इनकी जिम्मेदारी बनती है दो बार इनको मौका दे दिया। अरे भाई साहब, लेकिन बराट साहब आपके दौर में हालात तो खराब थे ना, हम 100% ही गांव में यही स्थिति ला कर दिखाएंगे। नहीं, नहीं, कोई हालात खराब नहीं थे हमारे समय में, जो बराट साहब मैं बताता हूँ हालात कैसे थे। बराट साहब आपके आपके वक्त में हालात कैसे थे मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने बदतर कर दिया है। अरे आपको बराट साहब गांव में पता पहले कैसे होता था कांग्रेस के राज में, मैं बताता हूँ आपको कि एक हफ्ते दिन में आएगी और एक हफ्ते रात में आती, ऐसे बिजली आती थी। लेकिन अब ये दावा कह रहे हैं कि 75% गांव में इन्होंने बिजली पहुंचा दी, 24 घंटे वहां बिजली आ रही है। अब बताइए सर। नहीं नहीं जवाब देंगे जी मेरा। हाँ देखिए जयप्रकाश जी, समय ऐसा भी था जब सारे गांव में एक घर में बिजली होती थी, वो समय था तब बिजली इतनी थी। जब जैसे 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 बिजली पैदा हुई तो हर घर गांव में बिजली पहुंची। समय तो ऐसा भी था कि बल्ब ही नहीं होता था किसी गांव में। तो ये तो कांग्रेस की तो सत्ता थी ना, कांग्रेस की सरकार थी, जितना कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया आज तक। ये तो कहेंगे कि 1947 में ये नहीं था, तो तब भाई वो चीज हो ही नहीं सकती थी, तो वो कैसे हो जाती। ये सिर्फ और किसने रोका था गांव में 24 घंटे बिजली देने से, ये बताइए। लूटना चाहते हैं ये, किसने रोका था आपको 24 घंटे बिजली देने से, ये बताएं। अरे हमने दी, फिर हमने दी बिजली गांव में, आपको किसने रोका है? आप क्यों 11 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं? आप क्यों लूट रहे हैं जनता को? आप जनता को क्यों लूट रहे हैं? आप इंडस्ट्री हमारे प्रदेश से प्लान करने जा रही है क्योंकि आप बिजली के रेट आप नहीं कम कर रहे, लूटने पर आप तुले हुए हैं जनता को। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपने दी जनता को? बिजली कब दी बताइए, झूठ बोलते हो टेलीविजन पे बैठ के और मुझे झूठा कह रहे हो।
बताओ कब दी, कौन सा? अरे भाई लोग लोग कैसे कैसे चलते थे गांव में, कैसे मतलब चलते थे, जिंदगी थी तो कैसे चलते थे? झूठे आप हैं, आप झूठे हैं, आप महाजूठे हैं, आप झूठ बोलते हैं। अरे मैं खुद एक गांव में रहता हूँ, अरे आप तो गांव गए भी नहीं होंगे वीरेंद्र सिंह जी कभी, आप शहरों वाले लोग हैं, आपको शहरों की तकलीफों का पता है, मैं गांव में रहने वाला हूँ, मेरे को पता है मेरे गांव में 24 घंटे बिजली थी कांग्रेस के राज में। अरे आप रहने दो, अरे आप जमीन पर उतर कर देखो, फिर पता लगेगा आपको आम जनता की क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितनी महंगी आज बिजली है, कितना महंगा आज पानी है, कितना महंगा आज सिलेंडर है, कितनी महंगी बिजली फिलहाल महंगाई है। अरे आप लूट रहे हैं जनता को। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हो गई। अरे अरे सर दर्द उनका सुन लेते हैं, बिजली उपभोक्ता मंच से हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए। अनिल जी, बीजेपी दावा भी कह रही है, वीरेंद्र चौहान जी भी कह रहे हैं कि वाकई में गांव में 24 घंटे में बिजली दी, हालांकि अब ये आंकड़ा 75% का बता रहे, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि गांव में अब बिजली आती है पहले के मुकाबले, ये तो आप मानेंगे सर। लेकिन इन्होंने कोई एहसान तो किया नहीं, लेकिन सर इन्होंने दिल्ली की तर्ज पर बार बार आप जयप्रकाश ये शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी करेंगे, जब हमने मैंने कहा क्या एहसान किया, तारीफ भी कर, अब तारीफ अब सर तारीफ भी आपको तारीफ भी पसंद नहीं है सर, धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बार बार एक एंकर खुद कह रहा है सर, एक एंकर खुद कह रहा है कि भाई आपने बिजली पहुंचा दी, अब तो आप तारीफ भी नहीं सुन रहे सर। लेकिन हम लोग, लेकिन वो तो मत कहो जो मैंने कहा नहीं, वो तो मत दोहराओ भाई मेरे नाम पर। ठीक है अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, लेकिन लेकिन क्या सर, जैसे दिल्ली में आपको मुफ्त में बिजली दी जा रही है, मुफ्त में पानी दिया जा रहा है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर पाती? वो तो राजधानी, ये वो कर देते हैं, ये क्यों नहीं कर पा रहे अनिल शर्मा जी? इसमें मेरा मानना ये है, मेरे दोनों सम्मानित मित्र जो बीजेपी कांग्रेस से हैं, मेरा उनसे निवेदन है 2 मिनट हमें सुन लें। असल में दिक्कत क्या है कि ये दोनों मुख्य धारा की जो विपक्ष पार्टियां हैं हिंदुस्तान की, ये चीखने चिल्लाने में टाइम ज्यादा वेस्ट करती हैं। इन दोनों में से कोई मेरा सम्मानित मित्र ये बता सकता है कि ये नीतियां कहां से लाए? आज बेशक सत्ता में बीजेपी है, लेकिन ये जो बिजली की नीतियां हैं, शिक्षा की नीतियां हैं, स्वास्थ्य की नीतियां हैं, ये इसको पैदा करने वाली तो कांग्रेस ही है ना। आज बेशक ये छाती ठोक ले बीजेपी वाले, हम इनका धन्यवाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बीजेपी वाले ना करते तो कांग्रेस करती। अब ये जो दो फीडर की बात कर रहे हैं मेरे बीजेपी के सम्मानित मित्र कि हमने 24 घंटे बिजली दे दी, उस 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ ये काम भी तो कर दिया ना कि ये फीडर तो पूंजीपतियों का है और ये फीडर उन लोगों का है जो बिजली नहीं ले सकते। ये जो शहरों में गांव में जो 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं, वो दो फीडर है सर, एक फीडर अमीरों का है जो 24 घंटे बिजली जा रही है, वो 24 घंटे जो पैसा दे सकता है वो ले सकता है, एक फीडर गरीबों का है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो, फीडर की क्या स्थिति है गांव में भी? भाई साहब रुकिए रुकिए, मैं आपको विनम्रता से रोक रहा हूँ, आप मुझे सुनेंगे नहीं तो झूठ कैसे बताओगे? बिजली जब दी जा रही है का मादा पैदा कीजिए श्रीमान जी, ये कैसे दो फीडर? ये सच्चाई नहीं है कि दो फीडर है गाँव में बिजली? ये सच्चाई नहीं है कि एक फीडर अमीरों का, एक गरीबों का, एक 24 घंटे बिजली जाती है जहाँ फीडर से? दुनिया के अलग नहीं है क्या? उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हो, ₹10 प्रति यूनिट खरीद कर ₹11 प्रति यूनिट, भले मानसो झूठ बोलना बंद कर दो। गांव में जिन गांवों में 24 घंटे बिजली जा रही है वहां बिजली बोले बोले छाड़ने भी बोले फीडर नहीं है, क्यों झूठ बोला रहे हो टेलीविजन पे? वीरेंद्र जी आपके यहाँ लाइट चली गई है क्या? आपके चेहरे पर अंधेरा हो गया। ₹2.5 खरीद कर ₹11 बेच रहे हैं आप। वीरेंद्र जी आपके यहाँ लाइट चली गई क्या? मैं पंजाब में ऊंची लाइट चली गई। अरे पंजाब, आप सच कह रहे हैं या झूठ? मैं झूठ नहीं बोलता, दुर्योग से मैं पंजाब में हूँ इस समय और कोशिश करता हूँ कि रोशनी आ जाए। ये कांग्रेस का प्रदेश है जी, यहाँ कट लगते हैं मेरे प्रदेश में। नहीं देख रहे हैं आप, वो पंजाब गए और पंजाब में देख के लाइट चली गई। हाँ नहीं नहीं पंजाब में कर क्या रहे हैं, हरियाणा में घुसने तो देता नहीं इनको। अरे तो भाई मैं कोई घुसने नहीं देता, मैं भारत का नागरिक हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और सुनिए, हरियाणा में आप हमने 5200 गांव में बिजली दे दी आबाद गति से, आप उसके बारे में हिम्मत से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, आप में इतना दम नहीं है? लेकिन आपको 5200 गांव की यात्रा का निमंत्रण जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है प्रकाश जी, भाई साहब जयप्रकाश जी, वीरेंद्र जी, हमारा जहाँ तक हरियाणा की जनता का दम है ना,
वीरेन जी, वीरेन जी मैं एक चीज समझ रहा हूँ, आपके आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी, मैं मौका दूंगा, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। जयप्रकाश जी 2.5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली, 11 रुपए। मैं पूछ रहा हूँ, बराड़ साहब चर्चा कर रहे हैं इस पर। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ वीरेन चौहान जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। हम दिल्ली की तर्ज पर सर, हम क्या फ्री में बिजली नहीं दे सकते? क्या हरियाणा सक्षम नहीं है? मैं आपको बताऊं, हाँ, दुनिया में कुछ भी फ्री में कहीं नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना होता है। फ्री में संसार में कहीं कुछ नहीं मिलता। आपको मालूम है, देयर इज नो फ्री लंच, ये कहावत है। एक बात समझिए, हरियाणा में बिजली आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब थी, गांव अंधेरे में थे, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हमने आकर के 24 घंटे बिजली हर गांव में पहुंचाने का लक्ष्य रखा। मुश्किल लगता था, असंभव लगता था। आज हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आंकड़ा 5200 से पार हो गया। हमारे विरोधी इतने बड़े अंधेरे में हैं कि इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे। एक इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं अमनदीप जी बार बार। अमनदीप जी, आपको शायद मालूम नहीं या आप जान के बोल रहे हो, हम जो बिजली कहीं से भी खरीदते हैं वो फिक्स 2.5 रुपए नहीं आती। कभी कभी बिजली कंपनियों को 14 रुपए। सर, मैं अगर इस नए नियम की बात करूं वीरेन चौहान जी, फिर ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप मुफ्त में बिजली नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप नए नियम डाल के सर बोझ तो मत डालिए ना फिर। अब मैं बताता हूं नए नियम को लेके भी क्या झूठ, थोड़ा बताइए आप बता दीजिए कि इससे ये फायदा हो जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं आम जनता को। विनम्रता से मैं आपको ये बता रहा हूं कि नए नियम में नया कुछ नहीं है। जब से हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी, एक मिनट मित्र सुन लो, जब से हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, जब से हरियाणा में हरियाणा का बिजली बोर्ड समाप्त करके और कंपनियां बनी है, तब से उपभोक्ताओं से इसी पैटर्न पर ये जो 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 शुल्क जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसको बढ़ा दिया है, वो लिया जा रहा है। कुछ भी नहीं बढ़ाया गया। मैं उन ज्ञानवान लोगों को थोड़ी सी बुद्धि लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं जो ये कह रहे हैं कि कुछ बढ़ गया है। जो कुछ लिया जा रहा है, वसूल किया जा रहा है, वो पहले से इनके राज में भी इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के निर्देश पर लिया जा रहा है। मैं एक सवाल, ठीक है अनिल शर्मा जी, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, बताइए वीरेन चौहान जी को कि एक आम उपभोक्ता को कितनी दिक्कत होती है। एक नया मीटर का कनेक्शन लेता तो चक्कर काटता रहता 6-6 महीने। जरा बताइए अनिल शर्मा जी, किस तरह दिक्कतें होती है, और ये कह रहे कि हमने बहुत बेहतर व्यवस्था कर दी सरकारी विभागों की। अनिल शर्मा जी, मेरा वीरेन जी से निवेदन है, कहीं गुंडा कर दिया जी से निवेदन है, एक बार सुन ले। हां वीरेन जी, एक बार सुनिए। अरे वीरेंद्र जी, अपना मुंह बंद करिए, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है वीरेन जी, एक बार सुनिए प्लीज। अरे रुकिए बराड़ साहब, रुकिए अनिल शर्मा जी, कहिए जल्दी से। अकेले बोलते जा रहे हैं आप सुनने की हिम्मत रखिए। झूठ बोलोगे आप और मैं सुनूंगा। अब जो सरकार का अरे आप सबसे, अब जो सरकार का फैसला आया है, वो फैसला ये है जी, फैसला ये है कि जो बिजली उपभोक्ता जिन्होंने आज से 30-40 साल पहले भी बिजली का कनेक्शन ले रखा है, ये पहली बार हम सुनने को देख रहे हैं, हम देख भी रहे हैं पहली बार, उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। आपने सिक्योरिटी भर दी 20 साल पहले बिजली का कनेक्शन ले लिया, अब वो सिक्योरिटी में इजाफा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ये जो सिक्योरिटी का इजाफा है वो 4 टाइम है जी, आपने 4 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी उन उपभोक्ताओं की जो बहुत पहले बिजली कनेक्शन ले चुके हैं, ये कहाँ जस्टिफाई हो सकता और है? ये हमारे बिल में जुड़ के आएगा, ये केवल लूट बिल में जुड़ के आएगा तो हम पे बोझ पड़ेगा ना सर। ये हमारे बिल में जुड़ के आएगा और दो उत्तर दे दूं। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए वीरेन चौहान जी, आप जल्दी से। लूट कह सकते हैं, ये बढ़ोतरी नहीं है इस विषय में। ये बिजली के नाम पे सरकारी लूट है श्रीमान जी। आपको एक शब्द पकड़ में आ गया, लूट है, लूट है। चलिए अब चौहान साहब बताइए ना इस पर, उपभोक्ता मैं जो बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं उसका भुगतान करता हूँ, इसको लूट कैसे कह दोगे आप? और एक बात समझ लीजिए, उपभोक्ता भुगतान करता है तो भुगतान का भुगतान कर चुका। अरे भाई सुन लो, पूरा सुन लो, नियम समझ लो, उसी कोर्ट का भुगतान करके तो कनेक्शन लिया। उत्तर सुनोगे? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियमों के अनुसार इसी पैटर्न पर इस शुल्क की वसूली बरसों से हो रही है। आपको बिना बताए किसी ने कर ली होगी सालों साल कांग्रेस ने, तो आपको परेशानी नहीं हुई।
हमने हाँ, बिल्कुल की बिल्कुल सूचना दे दी तो आप परेशान हो रहे हैं, झूठ बोलना बंद कर। चौहान साहब आप समझा नहीं पाए, चौहान साहब नहीं समझा पाए, वो समझा ही नहीं पा रहे सरकार से ये है। नहीं नहीं चौहान साहब आप समझा ही नहीं पा रहे, यही तो परेशान है, तभी तो हमने एक डिबेट बुलाई ना सर, नहीं समझ पाए। नहीं नहीं आप वाकई में आप उपभोक्ता से आप वाकई में उसकी जेब पर डाका डाल रहे हैं, आप नहीं समझा पाए सर, नहीं समझा पाए। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हालांकि बिजली का बिल देखिए बढ़ के आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से महीने में विभाग लगा दे, ये तय है, लेकिन ये अपनी सफाई देते रहे। रणभूमि आज के लिए बस इतने, कल फिर हाजिर हो एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।